रायबरेली से राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी के इस फैसले ने यूपी की सियासत को एक नया रूप दे दिया है। पहले बीजेपी ने इस सीट से यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और उसके कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए कांग्रेस की गढ़ रायबरेली लोकसभा सीट से राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगा दी, जिसके बाद रायबरेली यूपी समेत पूरे देश की चर्चा का केंद्र बन गया। राहुल गांधी ने आज रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन भी दाखिल कर दिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है और ये पहले और दूसरे फेज की वोटिंग से जुड़ी है। आपको इस कहानी की एक एक स्क्रिप्ट बताएंगे, उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दरअसल यूपी में पहले और दूसरे फेज की वोटिंग से कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है और उसे लग रहा है कि इस बार उसके लिए चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अभी 5 चरण की वोटिंग होनी है। इसमें रायबरेली अमेठी जैसे वीवीआईपी सीटें भी हैं, जहां से कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। अंदर खाने चल रही खबरों के मुताबिक कांग्रेस आला कमान को जो अपडेट मिला, उसने रायबरेली से राहुल की दावेदारी को सर्वाधिक मजबूत कर दिया और कांग्रेस पार्टी को अंदाजा हो गया कि अगर राहुल गांधी को रायबरेली सीट से उतारा गया तो इसका प्रभाव प्रदेश व्यापी होगा। रायबरेली कई दशकों से कांग्रेस का मजबूत किला रहा है। सोनिया गांधी यहां से 5 बार सांसद रही हैं, वर्तमान में वही सांसद हैं। वही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी भी यहां से सांसद रहे हैं, लेकिन फिर भी सियासी पंडित रायबरेली की लड़ाई को राहुल के पक्ष में एक तरफा कहने का विरोध कर रहे हैं। साथ ही 2019 के अमेठी जैसे परिणाम की संभावनाओं से दरकिनार भी नहीं कर रहे हैं। रायबरेली की बात करें तो वहां पे 5 विधानसभा है, जिसमें 4 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता है, लेकिन वहाँ के ऊंचा हार शीर्ष समाजवादी पार्टी के लीडर मनोज पांडे इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वहाँ पर कांग्रेस का विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, लेकिन 2019 में सोनिया गांधी के हाथों दिनेश प्रताप सिंह की हार हुई थी और तकरीबन वह 1.5-2 लाख वोट से चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी रायबरेली में बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक अपने लोगों को मजबूत किया है, घर घर घूम करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया है, निसंदेह राहुल गांधी के लिए वह रास्ता बहुत आसान नहीं होगा। सियासी पंडितों के मुताबिक राहुल के लिए रायबरेली भी अमेठी की तरह कठिन होने वाला है। भले ही ये सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है, साथ ही बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को भी हल्के में लेना कांग्रेस की भूल होगी, जो रायबरेली में बीजेपी की जीत का दावा ठोक रहे हैं। साथ ही सोनिया गांधी पर रायबरेली की जनता को धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा दिया। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना, सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बना करके पावर डेलीगेट कर दिया प्रियंका गांधी के हाथों में, प्रियंका गांधी ने अपने पावर डेलीगेट कर दिए किशोरीलाल शर्मा के हाथों में। 10 सालों में न सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को मिली, न प्रियंका गांधी मिली और न ही किशोरीलाल शर्मा मिले, तो मैं कह सकता हूं कि रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन नकली गांधियों का इंतजार कर रहे थे। रायबरेली सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहां करीब 11% ब्राह्मण, करीब 9% राजपूत और 7% यादव है। वहीं दलित मतदाताओं की संख्या 34% है, जबकि यहां मुस्लिम 6%, लोध 6%, कुर्मी 4% के करीब है। साथ ही अन्य जातियों के वोटर्स की तादाद भी लगभग 23% है। 9% राजपूत वोटर्स भी निर्णायक हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी ने विधायक और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर दांव खेला है। लेकिन क्या कांग्रेस की गढ़ और राहुल के कद पर दिनेश प्रताप सिंह भारी साबित हो पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल की रायबरेली से उम्मीदवारी ने कांग्रेस पार्टी समेत इंडी गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश भरने का काम किया है। राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने से एक तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, दूसरा बगल में अमेठी है, उस सीट पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके अलावा भी जो इंडी गठबंधन की दूसरी सीटें हैं आसपास की, वहां पर काफी उसका असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 80 सीटें यहां से हैं और एक जमाने में कांग्रेस का ये दबदबे का इलाका होता था और देश की जो सरकार है वो उत्तर प्रदेश की सीटों से ही बनती है, क्योंकि 80 सीटें हैं यहां पे। तो सबसे ज्यादा जो असर होगा वो कार्यकर्ताओं के मनोबल पे होगा, इनके जो गठबंधन है
उसके कार्यकर्ताओं के मनोबल पे होगा, और एक राजनीतिक प्रतिरोध जो भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप के एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन तैयार करेगा वो शायद दिखाई देगा। जिस तरह पीएम मोदी भी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं, उससे लग रहा है कि दो फेज की वोटिंग के बाद ये चुनाव वाकई में दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जमकर गूंज रहा है। दूसरे फेज में जहां बात मंगलसूत्र पर हो रही थी, तीसरे फेज में आरक्षण पर पहुंच गई है। पीएम मोदी कांग्रेस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, वो भी आक्रामक तेवर में प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर जमकर बरस रहे हैं और उन्हें खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। साजा दे हिम्मत होता जाओ, संविधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है। संविधान के लिए जीना, संविधान के लिए मरना, ये सीखना है तो मोदी के पास आओ। मैं जानता हूं कांग्रेस मेरी ये चुनौती नहीं स्वीकार करेगी, क्योंकि इसकी नीयत में खोट है। प्रधानमंत्री मोदी जहां कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। और अब राहुल के आने से यूपी में कितना फर्क पड़ेगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन बीजेपी और उसकी सहयोगी की टेंशन जरूर बढ़ गई है। इसलिए जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई है और रायबरेली की लड़ाई कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई बन गई है। वहीं बीजेपी के लिए भी पीएम मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं बीजेपी ने भी रायबरेली को लेकर पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में अपनी तैयारी को पुख्ता कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।